हेलो गाइस, नमस्कार। मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं हूं नवीन तिवारी। आज मैं पहुंचा हूं अपने ससुराल तोली गांव। इस तोली गांव में मैं भूमि देवता के मंदिर की ओर को जा रहा हूं। ये देखिए, हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर भूमि देवता का मंदिर है। मैं आज आपको भूमि देवता के मंदिर के दर्शन करा रहा हूं। भूमि देवता का मंदिर हर गांव में होता है, क्योंकि नई फसल की जब शुरुआत की जाती है, पहले भूमि देवता के मंदिर की पूजा की जाती है। ये हमारा भूमि देवता का मंदिर है। ये देखिए, जय भूमि देवाय नमः, ओम श्री भूमि देवाय नमः। ये भूमि देवता का मंदिर है। इसके बाहर से ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। मैं इसके दर्शन कराता हूँ आपके मंदिर में जाके। ये रहा भूमि देवता का मंदिर। हर गांव में आपको भूमि देवता का मंदिर देखने को मिलेगा। ये देखिए, जब भी हम नई फसल की शुरुआत करते हैं, उससे पहले भूमि देवता की पूजा अर्चना की जाती है। आज यहां पर मौसम बहुत खराब है, शीतलहर चल रही है। सवेरे से धूप का नामो निशान नहीं है, बस पूरी तरफ से ढका हुआ है, बादलों से ढका हुआ है। चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। आज सोमवार भी है, भगवान शिव का वार है। शिव के भजन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाद आगे को चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। ये हमारे गांव के ससुराल वालों के खेत हैं, जहां पर जगह जगह गांव वालों ने अपने जानवरों के खाने के लिए घास का इंतजाम किया हुआ है। जगह जगह आपको लूटे नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, इतना बढ़िया व्यू यहां पर गांव का दिखाई दे रहा, बिल्कुल सुनसान माहौल। ये देखिए गाइज, गांव वालों के खेत किस तरह से खड़िया निकालते निकालते मिट्टी के ढेरों में तब्दील हो गए हैं। इतनी ज्यादा खड़िया इस गांव से निकाली जाती है और सारे खेतों की यहाँ पर इस तरह की बर्बादी हो रही है। देखिए, कृषि योग्य भूमि को, उपजाऊ योग्य भूमि को मिट्टी में तब्दील किया जा रहा है। ये देखिए, पर्वत के पीछे चंबे दागा, पर्वत के पीछे चंबे दागा, गांव में दो प्रेमी रहते हैं, गांव में दो प्रेमी रहते हैं। ये देखिए गाइज, किस तरह से यहां पर खेतों का हाल, बुरा हाल हो चुका है। कृषि योग्य भूमि का देखिए किस तरह से हाल हो चुका है।
बहुत सारे खेतों से खड़िया निकल चुकी है, बहुत सारे खेतों से खड़िया निकलनी अभी बाकी है, इसकी सर्चिंग जारी है। दो दो जेसीबी यहाँ पर लगाए गए हैं, कभी पांच छह जेसीबी यहाँ पर काम करते हैं। ये देखिए दिखाते हैं आपको खड़िया के खान का दृश्य। ये खड़िया के खान का दृश्य है, हम तुम नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं, ओ गांव में दो प्रेमी रहते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर खेतों के हाल हो चुके हैं, बुरे हाल। जेसीबी ने किस तरह से खेतों का हाल कर दिया गया है। एक तरफ से यहाँ पर करोड़ों रुपए की खड़ियाएं निकल रही हैं, दूसरी तरफ से कृषि योग्य भूमि का बुरा हाल कर दिया गया है। सारे खेत मिट्टी के ढेरों में तब्दील हो गए हैं। ये देखिए गाइस खड़िया के खान का दृश्य। कितनी खड़िया यहाँ पर, करोड़ों रुपए की खड़िया यहाँ से निकल चुकी है, करोड़ों रुपए की खड़िया अभी भी जमीन के नीचे दबी हुई है। सर्चिंग जारी है। ये देखिए कितनी गहराई पर खड़िया की खान निकाली जाती है, आप देखिए गौर से, इतनी गहराई पर करीब 200 या 400 से 400 मीटर की गहराई पर खड़िया की खड़िया निकलती है। इसमें ग्रेड वन, ग्रेड टू और ग्रेड थ्री की खड़िया निकलती है। फर्स्ट ग्रेड की खड़िया बहुत महंगी बिकती है। ये देखिए खड़िया की खान का दृश्य। नेपाली मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, देखिए कितनी गहराई पर मजदूर यहाँ पर है, खड़िया को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। देखिए खड़िया की बेल्ट ही बेल्ट है यहाँ पर, पूरे इलाके में खड़िया की बेल्ट है। एक तरफ से करोड़ों रुपए की खड़िया यहाँ से निकलती है, दूसरे तरफ कृषि योग्य भूमि का बुरा हाल हो जाता है, सारी कृषि योग्य जमीन यहाँ पर मिट्टी में तब्दील हो जाती है। आप देख ही रहे हैं भूमि का नज़ारा किस प्रकार से हो रहा है। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुपकर सब जाने, उनकी बातें सुनते हैं सब छुप कर सब जाने, क्या क्या बातें करते रहते हैं वो सब जाने, उन दोनों को नींद नहीं आती है रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं, गांव में दो प्रेमी रहते हैं। ये देखिए गाइज पहाड़ का व्यू कितना बढ़िया नजर आ रहा है, शाम के समय का व्यू है। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ, गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ, तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। अंधेरा बहुत हो चुका है, इसके साथ ही अब मुझे घर को प्रस्थान करना चाहिए।
है मेरे संग तू तो डर क्या, चलना है तेरी पलकों के साए साए मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। इसी प्रकार के ब्लॉग के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको पहाड़ का दृश्य दिखाते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।